सुशांत सिंह राजपूत के अनटाइमली डिमाइस के बाद से हर कोई सदमे में और शॉक में है, लेकिन सबसे ज्यादा कहीं अगर तकलीफ पहुंची है तो वो है फैमिलीज और फैमिली के अलावा अंकिता लोखंडे, जी हाँ, जिनके साथ सुशांत का एक लंबा समय तक रिश्ता था और बहुत ही करीबी रिश्ता था। उनके तमाम फ्रेंड्स ने इस बात को कहा है कई बार कि अंकिता वॉज जस्ट नॉट अ गर्लफ्रेंड, शी वॉज हिज मदर, हिज वाइफ, हिज पार्टनर, हिज बेस्ट फ्रेंड, एवरीथिंग। ऐसे में अंकिता लोखंडे का क्या हाल है इस वक्त, ये हम आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर संदीप सिंह की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं। हाल ही में संदीप ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को रिवील किया कि अंकिता hasn't stopped crime since that day। जी हाँ, तकरीबन 15 दिन होने को आ रहे हैं सुशांत को हम सभी को छोड़ कर गए हुए, लेकिन ऐसे में अंकिता लोखंडे अब तक इस बात से उभर नहीं पाई हैं और वो अब तक बिलीव नहीं कर पाई हैं कि सुशांत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं और उन्होंने ऐसा कोई कदम उठा लिया। बात करें अगर अंकिता लोखंडे की, तो संदीप ने कहा कि जिस दिन से ये खबर आई है उस दिन से वो रोना कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, वो कंटिन्यूसली रो रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा संदीप ने कि मैं 3-4 दिन तक अंकिता से मैंने कोई बात नहीं की थी, लेकिन जब हाल ही में अंकिता का मुझे कॉल आया तो फ़ोन करते ही वो रोने लगी। मैं उसे इस तरीके से नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ और तमाम लोग जानते हैं कि अंकिता और सुशांत के बीच जो रिश्ता था वो कितना ख़ास था, ये बात हर कोई जानता है। तो मैं अंकिता को इस तरीके से नहीं देख सकता, इसीलिए मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से हेल्प करूँ, बिकॉज़ ये जो चीज़ हुई है ये अनएक्सेप्टेबल है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ से अब जा चुका है जो कभी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है इस चीज़ से, एंड उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही आइसोलेट कर रखा है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो। आप एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में।